नमस्कार। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंदरूनी जंग को सुलझाने के लिए एक दिशा दी है और वो भी एक तय समय सीमा के भीतर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि आलोक वर्मा मामले में सीवीसी अपनी जांच 2 हफ्ते में पूरी कर रिपोर्ट दे, जिस पर सुनवाई 12 नवंबर को होगी। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में होगी। साथ ही अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और अक्टूबर से अभी तक किए गए जो फैसले हैं उसकी जो लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। इसमें अफसरों के तबादले भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहते हुए अस्थाना मामले की सुनवाई नहीं की कि उस मामले की अर्जी उनके पास नहीं आई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीवीसी जांच की रिटायर्ड जज से निगरानी पर कहा है कि सिर्फ एक बार के अपवाद का मामला है जिसे कोर्ट ने इस मामले के विचित्र तथ्यों को देखते हुए जरूरी समझा है। इसे भारत सरकार की सत्ता पर किसी तरह से हस्तक्षेप के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा है कि सीबीआई के टॉप 2 अफसरों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए और राष्ट्र हित में सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आइए सुनते हैं। वो एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच करती है उसके बड़े 2 अधिकारी किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का शिकार बन जाए तो यह आवश्यक है कि बहुत ही अच्छे स्तर की और निष्पक्ष स्तर की उस पर जांच होनी चाहिए। सीबीआई पे सुपरिटेंडेंस का अधिकार करप्शन केसेस के संबंध में सीवीसी के पास है। यह सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी का एक लेयर है। सीबीसी ने इसलिए यह आदेश दिया जिसको सरकार ने स्वीकार किया कि जब तक यह जांच चल रही है, चाहे सीवीसी में या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तब तक दोनों अधिकारी अलग बैठे, एजेंसी से बाहर बैठे, क्योंकि वो उस एजेंसी में नहीं हो सकते जो उन्हीं के खिलाफ जांच कर रही है। वो तो फिर निष्पक्ष जांच नहीं रहेगी। ऑल ऑफिसर्स ऑफ द सीबीआई, पर्टिकुलरली द टॉप 2 ऑफिसर्स लाइक सीजर्स वाइफ मस्ट बी बियॉन्ड सस्पिशन, दे मस्ट बी अबव सस्पिशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट that the truth is established following the highest standards of fairness and the due process of law. इधर विपक्ष ने आज राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर में प्रदर्शन किया है। दिल्ली में राहुल गांधी ने दयाल सिंह कॉलेज से सीबीआई दफ्तर तक मार्च किया। इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में सीबीआई के दफ्तरों के बाहर विरोध में नारे बुलंद किए। राहुल गांधी ने अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी और सीबीआई की मौजूद स्थिति को रफाल डील से जोड़ते हुए सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी के जेब में डाला है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है, देश के युवाओं से पैसा चोरी किया है, पूरा देश इस बात को समझता है। प्रधानमंत्री दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर छुप नहीं सकते हैं सच्चाई से। सच्चाई बाहर आएगी। सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में देश को पता लगेगा कि देश के चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले हैं। आपके कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने आपके साथ जा रहे थे, अंदर काफी धक्का मुक्की हुई है, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। जितनी बार भैया गिरफ्तार करना है, जितने धक्के मारने मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम इस कार्यक्रम में यही समझने की कोशिश करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया है वो कौन से पक्ष के तरफ गया है, कौन सा पक्ष मजबूत दिख रहा है, या एक ये बैलेंस्ड वर्डिक्ट है जो आया है दोनों पक्षों के लिए। हमारे साथ खास मेहमान है विकास सिंह, पूर्व एएसजी, अमिताभ सिन्हा नेता बीजेपी, आदिल बोपराय नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। विकास जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी और आपसे ही जानना चाहूंगी किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो एक तरह से जंग छिड़ी हुई थी। विपक्ष एक ऑफिसर को लग रहा था सपोर्ट कर रहा है, सरकार सत्ता पक्ष एक को कर रही है, या फिर कैसे माने आप इसे, परसेप्शन क्या गया है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से?
देखिए, जो सीबीआई डायरेक्टर का पोस्ट है 2014 के अमेंडमेंट के बाद, जनवरी के अमेंडमेंट के बाद, उसकी तब्दीली, उसका ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है बिना उस कमेटी को कंसल्ट किए हुए, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब ये जो विवाद चल रहा था नंबर वन नंबर टू में, ये कई महीनों से चल रहा था, सारे पब्लिक डोमेन में था, सारे अखबारों में आ रहा था, चैनलों पे आ रहा था, सबको मालूम था कि इनका विवाद बहुत घमासान चल रहा है। कोई इसमें ऐसी जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट के पास नहीं थी कि इस कमेटी के पास ना जाए अगर इनको लगता था कि इस डायरेक्टर को बदलने की जरूरत है, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया, मामला को बहुत बिगड़ने दिया। और जब बहुत ज्यादा बिगड़ गया तब उन्होंने मिडनाइट एक्शन में सीबीआई डायरेक्टर को कहा कि आप लीव पे चले जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बैलेंस किया है कि अगर ये कमेटी के पास गए होते, सारे तथ्य अगर दिखाए होते कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इस डायरेक्टर को भी रखेंगे तो इंस्टीट्यूशन का नुकसान होगा, तो कमेटी अगर परमिशन दे देती ट्रांसफर के लिए तो आज ये नौबत नहीं आती। तो चूंकि उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया था और चूंकि उन्होंने यूनिलैटरली एक डिसीजन लिया था हटाने का और उनको डाइवर्स करने का चार्जेस से, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा एक मीडियम का रास्ता निकाल दिया कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि कोई ऐसा एफर्ट नहीं होना चाहिए कि दोनों अफसरान में कोई भी अगर हो, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है जी, कोई भी गलत हो, किसी ने कोई गलती की हो, उसके गलती को छुपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब एक सुप्रीम कोर्ट जज जिसकी बहुत ही इम्पेकेबल इंटेग्रिटी है, बहुत ही जाने माने जज है जस्टिस पटनायक, उनको बना दिया गया है ऊपर से सुपरवाइज करने के लिए, तो अब सामने सच किया आ जाएगा कि दोनों अफसर गलत थे या एक अफसर गलत था या दोनों सही थे। किसी भी हाल में मेरे को नहीं लगता कि आलोक वर्मा को वापस बिठाया जाएगा, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में वापस लाने में इंस्टीट्यूशन का ही नुकसान होगा। तो इस केस से यह निकलता है कि अल्टीमेटली जो भी उनका रिपोर्ट आएगा, मेरे को लगता है आगे के लिए कुछ और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगा कि इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो सरकार को किस तरह से उसको नियंत्रण में लाना चाहिए और एक स्थिति को ज्यादा बढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीबीआई का काम खाली नॉट ओनली इंडिया के देश के इंपॉर्टेंट केसेस को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, बट सीबीआई इंटरपोल में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए विदेश में भी एक हमारी छवि खराब होती है, देश का बड़ा नुकसान होता है। इसको सबको एक तरह से एक क्वाइटस देने के लिए, एक ये लोगों का कॉन्फिडेंस बचा सीबीआई में बरकरार करने के लिए, ये बहुत सही रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। और सीवीसी के फंक्शनिंग पे कोई डाउट नहीं की है, ये जज को सिर्फ इसीलिए रखा गया है जिसमें कि चूंकि ओरिजिनल ट्रांसफर में जज से नहीं कंसल्ट किया गया था, कमिटी नहीं बुलाई गई थी, कम से कम अब जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी जस्टिफिकेशन को देखने के लिए एक जज को ओवरसी करने के लिए डाला गया है, जिसमें कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बरकरार हो जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल, मैं इस मैटर को बहुत ही बैलेंस एक देखता हूं उनका तरह से डील करना। बिल्कुल बैलेंस्ड आप कह रहे हैं। अमिताभ सिन्हा, क्या सरकार की अनुभवहीनता हो सकती है कि जो सीबीआई का जो ये पूरा इतना बवाल था, घमासान था, वो इस मुकाम पे इतना देरी से रिएक्ट करके यहां पे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को अब जाकर एक दिशा देनी पड़ रही है? निधि जी, आपने जितने धैर्य से विकास जी को सुना, मुझे लगता है मुझे भी सुनने के लिए आप तैयार हैं। जी, एक चीज देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला विषय यह है कि क्या संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं या व्यक्ति, और यदि व्यक्ति के अपने स्वार्थों, अपने महत्वाकांक्षाओं के सामने संस्थाओं की बलि चढ़ रही है, तो इस वक्त इसमें बहुत ही एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक सोची समझी और बहुत ही धैर्य की नीति की जरूरत है। विकास जी मेरे बहुत ही सम्माननीय फेलो कलीग हैं, हम लोग दोनों बार में एक साथ काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं उनका सम्मान करता हूं वरिष्ठ के नाते, लेकिन इनके जो ओपनिंग लाइन्स हैं, मुझे इनसे रिजर्वेशन है, मुझे इनसे प्रोटेस्ट है। ये कहते हैं कि यह पहले ऐसे काम करता है, यदि सरकार करती तो उसका बेहतर नतीजा होता। हिंदी व्याकरण में हेतु हेतु मध्यभूत ऐसा उदाहरण है कि यदि ये ऐसा राम यदि स्कूल जाता तो उसे आम खाने को मिलता। देखिए, ऐसी स्थितियों में
जो सबसे सबसे व्यक्ति जो सबसे ज्यादा वहां पर ड्राइविंग सीट पे होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यही जी। अब ये यही पूरे तो सीबीआई के अपने इम्पोर्टेंस का इशू है, उसकी सेंसिटिविटी का इशू है। अब इस पूरे प्रकरण में आप देखिए कि दो ब्यूरोक्रेट्स की आपस की लड़ाई है इनके ऊपर में, और साथ में सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर में एक बड़ा प्रोटेक्शन है कि दो साल के भीतर में उसको हटाना एक तरह से नामुमकिन है, एक तरह से मुश्किल है। तो उसको हटाया नहीं गया, कानून का उल्लंघन नहीं किया गया, और एक निष्पक्ष जांच सरकार को एक दिन पहले सफाई देनी पड़ी। इसलिए सरकार को एक दिन पहले सफाई देनी पड़ी कि जो रात में हमने कार्रवाई की है। सीवीसी ने जो कि एक सर्वोच्च संस्था है, सतर्कता आयोग है, उसके निर्देशन के हिसाब से एक व्यवस्था बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में तीन संस्थाओं के भविष्य का निर्धारण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का स्वयं, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं एक जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं करने के लिए कोशिश की है और उसके ऊपर में प्रहार किए हैं। उस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो या किसी भी तरीके का सीवीसी हो। अब इस विषय पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो कि खुद चोर हैं, वो मोदी को चोर कहें ये तो देश की जनता देख रही है। ठीक है अमिताभ जी, आपने जो अपनी बात कही वाकई में, जो आप पहले शुरुआत आपने बहुत अच्छी की थी कहकर कि संस्था ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल अनुभवहीनता का इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि जो दो व्यक्ति थे उनकी लड़ाई को आपस में इतना बढ़ने दिया गया कि ये स्थिति हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, लेकिन ठीक है, ठीक है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में अमिताभ जी, क्योंकि आप सत्ता में हैं इसलिए सवाल आपसे ही ज्यादा पूछे जाएंगे। सरकार ने पूरा 5 पॉइंटर्स का एक वो भी जारी किया है, द ऑर्डर्स ऑफ सीवीसी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव नॉट बीन क्वॉश्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें और चीजें भी कही गई, द पावर ऑफ सीवीसी टू इंक्वायर हैज बीन अपहेल्ड, हाउएवर टाइम लिमिट ऑफ 2 वीक्स हैज बीन इम्पोज्ड। सीवीसी जांच करेगा लेकिन उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज लगा दिए गए हैं। सरकार शायद तुषार मेहता जो थे वो कह रहे थे 10 दिन कम है, लेकिन आपने देखा कि ऊपर दिवाली की नहीं है, दिवाली ने मदद कर दी और 2 हफ्ते का समय अरेंजमेंट है, सरकार लटका नहीं पाएगी। जुडिशरी ने अपनी इज्जत बचाई है कि उसके ऊपर में उंगली ना उठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कितने अराजक, कितने रेकलेस पॉलिटिक्स में कांग्रेस इन्वॉल्व है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस के ऊपर में इम्पीचमेंट चला देती है। तो कांग्रेस पार्टी तो जो चोरों की पार्टी है, राहुल गांधी जो जमानत पे छूटे हुए हैं, 2000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जो व्यक्ति जमानत पे हो, दूसरे को चोर कहने का हैसियत रखता है और बात करते हैं ये लोग कांग्रेस के पास मुंह है क्या ये बात करने का। परसेप्शन की बात अगर करें तो एक तरह से आलोक वर्मा पे जांच होगी, और आलोक वर्मा पे जांच होगी जो उनकी मांग थी कि नागेश्वर राव जो इंटरिम डायरेक्टर हैं उनको वापसी उनका करना चाहिए, लेकिन वो बने रहेंगे इंटरिम डायरेक्टर। सरकार की जो कोताही थी वो मैंने पूछी, लेकिन अपने आप में जो एक समय आप आलोक वर्मा के विरोध में थे जब उनको लाए गए थे, लेकिन अब जब आलोक वर्मा इस स्थिति में थे तो कांग्रेस उनके पक्ष में एक तरह से खड़ी नजर आ रही है, तो सरकार के पक्ष को तो मजबूती मिली है आज, एक तरह से बैलेंस ही है। अब कांग्रेस इसे जीत के तौर पर तो नहीं देख सकती अपनी। निधि जी, 4-5 प्रिलिमिनरी पॉइंट्स। मेरे भाजपा के मित्र भी ड्राइविंग सीट की बात कर रहे थे, मैं इन्हें याद कराना चाहता हूं, आज देश की ड्राइविंग सीट में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं पहली बार। मेरे भाजपा के मित्र संस्थाओं की बात कर रहे थे, ये कहते हैं वकील हैं, मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज देश के सामने आए और उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। ईडी का एक अफसर है राजेश्वर सिंह, वो कहता है कि हसमुख आदिया मोदी जी का दूसरा ब्लू आइट बॉय ने नीरव मोदी से घूस ली थी गोल्ड बिस्किट्स में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक एक्सटेंशन बन चुका है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, आरबीआई एक एक्सटेंशन बन चुका है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और हमारे बीजेपी के मित्र आपके पास साथ देखिए, मैं इंतराब नहीं करना चाहता, मैं भ्रष्टाचार की उंगली उठाएं, आपसे ऊंचा बोल सकता हूं, राहुल गांधी जमानत पे है या नहीं, सोनिया गांधी जमानत पे है क्या नहीं, आप इस बात पर जवाब दे दीजिए, क्या बात कर रहे हैं, चोर है आपके अध्यक्ष तरी पा रहे हैं, अधिकारी नहीं है, रूलिंग थी इसके लिए नीरव पेडल बाय रूम वाज बर्निंग, अमित शाह एक फॉर्मर तरी पा रहे हैं, गुजरात से उन्होंने तरी पार किया था, अभी और जो जमानत पे ना हो, हिम्मत किसी को लेके आइए आप।
आप में हिम्मत नहीं है सुनने की, सोनिया जी में हिम्मत नहीं है बोलने की, आप में हिम्मत नहीं है सुनने की। तीस सेकंड दीजिए, आपको एक्सपोज करता हूं। जमानत पे आप एक तड़ी पार की पार्टी से आते हैं, ये बात करने की हैसियत में जाना चाहिए। इन्हें म्यूट करवाना पड़ेगा दीदी, आप ये उस पे मत जाइए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आज आज के मामले की अगर हम जो बात करें, अमिताभ जी मैं इनको रोक रही हूँ। अमिताभ जी सुनिए, धैर्य से सुनिए, ज्ञान का ठीक है, ज्ञान तो केवल मोदी जी के पास है। मामले तक अपने आप इसी इसी सीबीआई के मुद्दे की बात करता हूं मैं। पहली बात, अस्थाना किसने फॉइस्ट किया और किसने थ्रस्ट किया सीबीआई पे? अस्थाना की बात तो सुनवाई नहीं हुई। सुनिए तो सही, मैं इसका बैकग्राउंड देखिए। अस्थाना मोदी जी का ब्लू आइड अफसर है और गोधरा फेम। अस्थाना की कार्रवाई की जा रही थी संदेशवरा केस में, जो 5,000 करोड़ रुपए के देश से भागा। आलोक वर्मा मोदी जी का ही नियुक्त किया हुआ है, उसने अपनी पिटिशन में ऑन एफिडेविट कहा है कि मैं सेंसिटिव केसेस की कार्रवाई कर रहा था और इसलिए मुझे हटाया गया है। एफिडेविट में सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा। रिफाइल की कंप्लेन 4 अक्टूबर को 3 लोग देते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं थी उनमें, इनके इनके मंत्री थे। एक महीने के बीच बीच में सीबीआई डायरेक्टर को डिसाइड करना था कि मैं पीई मार्क करूं या ना करूं। एक मिडनाइट सूप में देखिए निधि जी, सीवीसी के प्लास वर्मा साहब के खिलाफ कंप्लेंट अगस्त से पेंडिंग थी, रात के 2:30 बजे स्टूडियो कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया जाता है, 10वें फ्लोर को सील किया जाता है, अगले दिन 11 अफसर जो वर्मा जी के नीचे कार्रवाई कर रहे थे उन्हें हटाया जाता है, और अभी भी भाजपा संस्थाओं की बात कर रही है। आपने हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करने की आपकी रंजिश है, यही दुविधा है, और आप देश की लोकतंत्र इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। हकीकत है नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी का एजेंट है, और हकीकत देश के सामने आ गई है, इसीलिए उनके पास जवाब नहीं है। विकास सिंह मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूं, जल्दी से कहिए, ये बताएं कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? आप पहले ये बताएं कि 516 करोड़ कैसे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अनिल अंबानी को, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की फर्म को दासों के साथ में इंट्रोड्यूस करके एग्रीमेंट किस सरकार ने साइन कराया था? एके एंटोनी ने और मनमोहन सिंह की सरकार ने, जो कि कठपुतली सरकार थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, उसने मुकेश अंबानी देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें आपकी सीबीसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए एक रिटायर्ड जज सुनना चाहता किया गया है मॉनिटर करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी? चर्चा थोड़ी मोड़नी पड़ेगी। भले ही लीगली ये मामला कहीं पे भी जा रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट है निगरानी रखने के लिए, लेकिन इस पूरे मामले को अमिताभ जी, अमिताभ जी इस पूरे प्रकरण में, पूरे चौकीदार चोर है, इस पे टिप्पणी करिए, इधर उधर की बात छोड़िए, ये दोनों लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत ईगो की लड़ाई है, व्यक्तिगत ईगो लड़ाई में देश ना कोई की एंटी करप्शन एजेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई उसका विरोधी है, देश के यही लोग आलोक वर्मा कितने बड़े विरोधी हैं, की बात कर रहे हैं मोदी साहब, क्या कर रहे थे मोदी साहब को कहना चाहिए शासन करें, क्योंकि अनिल अंबानी के एजेंट बने हुए हैं। आदिल आदिल हमारे जो देश की जनता क्या देख रही होगी। अमिताभ जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को समय दिया है, सब तमाम पक्षों को समय दिया है, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि जो विपक्ष है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन किया सीबीआई मुख्यालय पर, तो जो कानूनी पहलू से भले ही कोई सा पक्ष मजबूत रहे कमजोर रहे, लेकिन इसको पूरी तरह से उन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया है और ये प्रधानमंत्री को सीधे केंद्र पर लेकर आ गए हैं। क्या आप ये देख रहे हैं विपक्ष इस रणनीति में अपनी सफल हो रहा है? देखिए अब धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया। एक चीज मैं आपको बता दूं, विकास जी मैं आऊंगी, मुझे कहा गया था आप मुझे सुन नहीं पा रहे इसलिए मैं आपके पास नहीं आई थी। जी अमिताभ सिन्हा, तो मैं अब क्या करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन कराऊंगा अपने समर्थकों का, परिवार वालों का। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो हर जिले में, हर देश भर में जिले मुख्यालयों में सीबीआई के कार्यालयों पे प्रदर्शन करने की जितनी गैर जिम्मेदाराना डिसीजन कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में ली है, ये सुप्रीम कोर्ट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं शर्म करिए साहब, शर्म करिए थोड़ा सा, देश देख रहा है, हंस रहा है आप पे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की स्थिति पैदा करना चाहती है। भगौड़ा योजना बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्षम है, पूरा का केवल वो योजना है, बाकी सब फ्लॉप है।
वो सीवीसी का मोदी जी फ्लॉप है, इलेक्शन कमीशन का भगोड़ा योजना सक्सेसफुल है, विदेशी एजेंट है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, राजनीति नहीं है, कहां लीगल पॉइंट्स है नहीं, हर संस्था खत्म कर दी है मोदी जी ने देश में। आप बताइए क्या चार सुप्रीम कोर्ट के जज कांग्रेस पार्टी से थे? प्रधानमंत्री का नाम आएगा क्योंकि मोदी शाह ये डुओ है ना, ये गुजरात अपना गुजरात का मॉडल इधर ले आए। आईबी के अफसर निधि जी देखिए अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, आईबी के अफसर सीबीआई डायरेक्टर पे जासूसी करते हैं। कभी आपने अमेरिका में सुना है कि सीआईए एफबीआई के डायरेक्टर पे जासूसी कर रहा है? सर हम तो अपने देश की बात, मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का। विजय माल्या को किसने भगाया? ये मोदी जी के अस्थाना ने भगाया, इसने एलओसी डाइल्यूट किया। मैं बताइए सिन्हा साहब, मैं विकास सिंह के पास जाऊंगी। मिस्टर विकास सिंह, आपको लगता है कि ये मामला ऐसा है कि इसमें लीगली जो पॉइंट्स है वो तो है ही और सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा हावी हो रही है, वो एक परसेप्शन की जो लड़ाई है वो जो सड़कों पर या बाहर है वो हावी हो रही है इस पर? देखिए निधि, अब इलेक्शन का सीजन चल रहा है, 2019 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब तो पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों ही पॉलिटिकल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हर मुद्दे को पॉलिटिक्स बनाना चाहेगी और हर मुद्दे में पॉलिटिक्स खेलेगी, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा है कि जितना ज्यादा आई बॉल्स आप ले लेंगे, आप जैसे चैनल जितना ज्यादा इनको पब्लिसिटी देंगे उतना ज्यादा इनका चांस बढ़ेगा। मेरे हिसाब से जो ये केस है, जो ये प्रॉब्लम आई है आज के दिन में, जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो बहस हो रही है या जो केस में 12 तारीख डेट लगी है, इसमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये तो दो अफसरान के बीच में एक बड़ा सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए जिसमें कि सीबीआई की छवि बनी रहे, सीबीआई की छवि खराब ना हो। इस जहां तक सीबीआई का फंक्शनिंग का सवाल है, आपको याद होगा चाहे कांग्रेस का टाइम हो या बीजेपी का टाइम हो, कभी भी सीबीआई इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं किया है। कांग्रेस के टाइम में कहलाया जाता था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आज के दिन कांग्रेस बोल रहा है कि बीजेपी, कोई भी डायरेक्टर जो रहा है सीबीआई में आज के दिन में, रिसेंट पास जो मेरी मेमोरी में जितना भी जाता है, किसी भी सीबीआई डायरेक्टर ने जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ बाय एंड लार्ज काम नहीं किया है, क्योंकि इनका सुपरिंटेंडेंस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है। जब तक सीबीआई को एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम बना रहेगा, क्योंकि आज के दिन में सीबीआई में जितने अफसर जाएंगे, डायरेक्टर को तो चलिए उन्होंने कमेटी बना दी 2014 में, लेकिन जितने अफसर जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जितनी फैसिलिटीज मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, इनके ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, तो इसलिए सीबीआई को इंडिपेंडेंट जब तक नहीं होगा ये प्रॉब्लम तो रहेगा आप सीबीआई में। और सीबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में है जिसके जो सरकारें बनाता है, ओपोजिशन लीडर्स पे निशाना लगाना, उनके ऊपर केसेस करना, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, पूरी हमेशा से हो रहा है। पहले अमिताभ जी, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स मांगना चाहूंगी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया था कि सीबीआई एक केज्ड पैरट बन गया है। अब भले ही हम कहें कि एक केज्ड और भ्रष्ट पैरट बन गया, लेकिन क्या सरकार इस बात में सीरियस है कि ये जो हमारी एजेंसी है ये अपनी पूर्व गरिमा में पहुंचे? क्योंकि जो तमाम अफसरों से हम आजकल तीन चार दिनों से बात कर रहे हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनका ये कहना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने पसंद के डायरेक्टर्स को ले आती हैं। विकास सिंह खुद ये बात कह रहे हैं और आप भी जानते होंगे, और कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा हुआ है, इस जमाने में भी हम देख रहे हैं, तो क्या भविष्य के लिए, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है, हमने कल मिस्टर डोभाल को कहते हुए सुना कि हमें एक मजबूत भारत बनाना है, लेकिन क्या इसके लिए दूरगामी तौर पर कुछ काम करेगी सरकार कि एक मजबूत स्वायत्त जांच एजेंसी बने? निधि जी धन्यवाद आपको मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स करने का। देखिए अभी जो जितनी बहस हो रही है उसमें सेल्फ कंट्राडिक्शंस बहुत हैं। मैं विकास जी को दोबारा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि जो केज्ड पैरट यानी जो पिंजरे में बंद तोता के रिमार्क्स जो रंजीत सिन्हा के समय में कांग्रेस सरकार के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था, उसी के कॉन्ट्रेरी में बीजेपी ने जो सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि सीबीआई डायरेक्टर स्वयं बीजेपी यानी कि जो सरकार के खिलाफ में कोर्ट में गया है। इसका मतलब यह है कि ये केज्ड पैरट नहीं है, ये पिंजरे बंद तोता नहीं रहा है।
पहली बात उसको एक स्वतंत्र कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी सरकार ने और एक समय तक उसको पूरा ये ढिलाई दी। विकास जी ने कहा ना कि जैसे पहले नहीं कंट्रोल किया, ये पहले इसलिए नहीं कंट्रोल किया क्योंकि उसको भरोसा था सरकार को कि ये और को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते, करेक्शन मोड में जाएगी। वाकई में चिंताजनक स्थिति है। तमाम जो लोगों से पिछले 5 दिनों से जो हम लोग बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि सीबीआई को अगर अपनी पूर्व स्थिति में लाना है, मजबूत करना है, तो उसके जो ऑफिसर्स हैं उसका रिक्रूटमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल अपॉइंटी के तौर पर ना देखे जाएं। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, और शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर एक नज़ीर साबित करेगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगली सुनवाई तक का कि जब क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट इस एजेंसी के लिए निर्धारित करती है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे। मेरे तमाम मेहमान आए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दिखाएंगे बीजेपी के नेता ने किस एक मस्जिद को लेकर नेताओं के बयान से क्या स्थिति उत्पन्न हुई। बीजेपी के अल्पसंख्यक सम्मेलन में पार्टी के एमएलसी बुक्कल नवाब के भाषण पर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर अगर मस्जिद बन गई तो वहां नमाज पढ़ने वाले मुसलमान जहन्नुम में चले जाएंगे क्योंकि वो जगह विवादित है। बीजेपी के मुस्लिम नेताओं में अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाने की होड़ लगी है। आज बारी नए नए भाजपाई बने बुक्कल नवाब की थी। उसी कहावत की तर्ज पे कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, ये कह बैठे कि राम जन्मभूमि पे बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा। जब वो मस्जिद तैयार हो जाएगी उसमें नमाज पढ़ने के लिए जाएगा कौन? विवादित जगह के ऊपर नमाज पढ़ना हराम है। बहुत ये जो है कोई भी विवादित जगह है इस्लाम के अंदर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट लफ्जों के अंदर एक ही बात है, अगर कोई विवादित जगह है अगर वो नमाज पढ़ता है जन्नत में नहीं जहन्नुम में जाएगा वो। सारी जिंदगी बुक्कल नवाब मुलायम के चेले रहे हैं। उन्होंने मुलायम के लिए कभी नारा लिखा था कि मुलायम तेरी चाहत में बच्चे अपने पापा को सापा सापा कहते हैं। नवाब साहब पहले YouTube पे मुर्गा पकाने की तरकीब सिखाते थे, अब बीजेपी में आए हैं तो मीडिया को बुला के गौदान करते हैं। जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कोई उन पे शक ना करे। शायद इसी प्रेशर में ये सब बोल गए जिससे तमाम लोग खफा हैं। वो शख्स खुद इस बात का जिसको इल्म ना हो कि उसको उसका ठिकाना क्या होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो अगर लोगों को जन्नत और जहन्नम का टिकट बांटने लगे तो बड़ी हैरत होती है। हाँ, आपको सियासत करनी है, आप अपनी सियासत करिए, आप सियासत के दायरे में अपना ईमान बेचिए, अपनी सारी हदों को पार कर दीजिए, लेकिन अगर आप मुसलमानों को ये कहें कि मुसलमान जो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो जहन्नम में जाएगा तो हम इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नए नए भाजपाई बने मुसलमान हिंदू दिखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा मीडिया को बुला के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। वो अपने हिंदू होने की घोषणा भी कर चुके हैं। और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मांग की है कि देश की 9 बड़ी मस्जिदों को तोड़ के वहां मंदिर बनाए जाएं। लेकिन आज सम्मेलन में डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि वो नहीं चाहते कि बीजेपी के मुसलमान हिंदू बन जाएं या मुसलमानों के खिलाफ बोलें। बीजेपी चाहती है कि ये अब्दुल कलाम का देश बने, बीजेपी चाहती है अशफाकुल्लाह खां का बने, बीजेपी चाहती है कि अब्दुल हमीद का ये देश बने, और इसीलिए इस देश में हम चाहते हैं कि अली और बजरंग बली के साथ को मानने वाले एक साथ हो जाएं, और एक साथ जब हो गए तो ये खाई अपने आप में दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी में नए नए जुड़े मुस्लिम नेताओं में मुस्लिम विरोधी दिखने की होड़ लगी हुई है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो पार्टी नेतृत्व के करीब हो जाएंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा कि उनकी सोच कितनी सही थी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश बीजेपी में बेटों के लिए मची है टिकट की होड़।
बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगाती रही है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने होशंगाबाद में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि टिकट परिवारवाद के आधार पर नहीं बांटे जाएंगे, लेकिन उनके सिपहसालार ही लगता है इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंत्री, सांसद और विधायक अपने बेटों के टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऊर्जा विकास निगम के चेयरमैन विजेंद्र सिंह सिसोदिया के बेटे देवेंद्र सिंह सिसोदिया 2000 से ज्यादा समर्थकों के साथ भोपाल के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। दावेदारी शुजालपुर से टिकट की है। वैसे रेस में सिसोदिया अकेले नहीं है, नेता पुत्रों की पूरी फौज मोर्चे पर डटी है। इंदौर 2 से पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश दावेदार है, तो वहीं इंदौर 3 से सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वित्त मंत्री जयंत मलैया भी अपने सुपुत्रों के लिए संपर्क बढ़ा रहे हैं। गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, गौरीशंकर शेजवार को भी अपने बेटे मुदित के लिए टिकट चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रभात झा अपने बेटे तुष्मुल के लिए सिंगरौली से जुगाड़ लगा रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने बेटे देवेंद्र के लिए। पार्टी अध्यक्ष कहकर गए कि टिकट में परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव मानते हैं कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है। किसी नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं होता, यदि वह योग्य होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी। बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगाती रही है। गाहे बगाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पार्टी दफ्तर में दिखते भी हैं, लेकिन पार्टी को लगता है कि बीजेपी के वंशवाद की तुलना कांग्रेस के वंशवाद से नहीं की जा सकती। अगर वंशवाद देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है, मध्य प्रदेश तो है ही, उसके अलावा आप धूमल जी का बेटा तो राजनाथ सिंह जी का बेटा, तो वसुंधरा राजे का बेटा, तो यहाँ आज शिवराज सिंह का बेटा, तो ताई का बेटा, तो कैलाश जी का बेटा, तो कैलाश जोशी जी का बेटा, आप नाम लेते जाइए, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। वंशवाद पूरी तरह से हावी है, पर बीजेपी हमेशा से ये दर्शाती रही कि कांग्रेस में वंशवाद। वैसे शिवराज सिंह के सुपुत्र कार्तिकेय भी चुनावी सभाओं में नजर आ जाते हैं, हालांकि फिलहाल वो टिकट के दावेदार नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार 17 से ज्यादा बीजेपी के नेता पुत्र कमल के फूल से चुनावी मोर्चे पर डटना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगजेबी राज बताया था और इसकी तुलना मुगल शासकों के वंशवादी उत्तराधिकार से की थी। लेकिन अगर आप बीजेपी और खास तौर से मध्य प्रदेश को देखें तो पता लगेगा कि वो भी वंशवाद की अमर बेल से अछूती नहीं है। यहाँ भी कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके बेटे बेटियां शॉर्टकट से सत्ता की तरफ गए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।